The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Let's talk about pseudo gout. Yes, we wanted to talk about pseudo gout. So pseudo gout, what is pseudo gout? हमने देखा है पहले कि gout क्या होता है, gout की diet, gout कारण, uric acid problem, uric acid etc. But there is something called as pseudo gout. जब भी हम किसी word के सामने pseudo डाल देते हैं, जैसे p से शुरू होता है basically, pseudo हो जाता है, p silent है, pseudo है. तो जब भी pseudo डालते हैं, pseudo का मतलब नकली. तो यहाँ बात हो रही है नकली gout की. नकली gout क्या है? ये भी obviously gout के जैसा है, मगर gout नहीं है. मतलब क्या? मतलब यहाँ inflammation हो रहा है, यहाँ पे joint में problem हो रहा है, लेकिन ये uric acid के deposition के वजह से नहीं है. ये uric acid के वजह से नहीं है, यहाँ पे arthritis हो रहा है, inflammatory joint arthritis ही है, लेकिन ये calcium pyrophosphate crystals के वजह से है. This is not because of uric acid crystal, ये calcium pyrophosphate, इसको बोलते हैं pseudo gout, CPPD, calcium pyrophosphate deposition disease, CPPD, ठीक है? Gout होता है uric acid के वजह से, pseudo gout, calcium pyrophosphate के वजह से, not calcium, अकेले calcium, calcium pyrophosphate. अब ये दोनों कंडीशन में बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स हैं, बॉडी क्रिस्टल्स के ओर रिएक्ट कर रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जॉइंट सूज रहा है, दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, ये दोनों कंडीशन में हो रहा है. यहाँ पर जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है बेसिकली, और ये एक डीजनरेटिव आर्थराइटिस टाइप का होता है, बट नॉट लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ वेयर एंड टेयर, उम्र के साथ खत्म हो रही उसकी लाइफ है. यहां पर इंफ्लामेशन बिकॉज ऑफ दैट फॉरेन बॉडी, वो क्रिस्टल्स जो जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है. सूडो गाउट में भी गाउट के जैसे ही पूरे सिम्टम्स, पूरे एपिसोड होंगे, मतलब जॉइंट में स्वेलिंग, सूजन, जलन, लालपना, सारा कुछ आएगा, और पहले वो भी बड़े जॉइंट्स अपने बिग टो से शुरू हो सकता है. बट यहां पर यूरिक एसिड कारण नहीं है. और एक और चीज की यहां पर कैल्शियम और कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्यों स्टोन बन रहे हैं, क्यों क्रिस्टल बन रहे हैं, क्यों डिपॉजिट हो रहा है, ये एक्चुअली अभी भी अननोन है. हेरिडेटरी प्रीडिस्पोजिशन यानी जेनेटिक रीजन जरूर देखा गया है और रिस्क फैक्टर देखे गए हैं. जो लोग 60 साल से ऊपर की उम्र वाले होते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी फेलियर है, या फिर कैल्शियम या आयरन मेटाबॉलिज्म में इशू है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है. और हाइपर या हाइपर थायराइड वाले पेशेंट, थायराइड एबनॉर्मलिटी वाले पेशेंट्स को सूडो गाउट होता है. सूडो गाउट का भी अटैक सडन आ सकता है, जिसमें जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस, प्रीवियर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस होगा, सिम्टम में आपको दर्द होने लगेगा, स्किन भी खराब हो सकती है, टेंडन भी खराब हो सकता है, बिल्कुल जैसा हमने गाउट में डिस्कस किया था. अगेन इसके डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे और बाकी यूरिक एसिड लेवल्स करते हैं, तो हमें पता चलता है यूरिक एसिड ठीक है, एक्सरे में आर्थराइटिस है, ये क्या हो रहा है. सो इस केस में एक्सरे में एविडेंस मिलता है कैल्सिफिकेशन का, जहाँ पे कार्टिलेजिन सरफेस, सॉफ्ट टिश्यू, ये सारी चीज़ें एक्सट्रीम या ज़्यादा कैल्सिफाइड होती हैं नॉर्मल से ज़्यादा. सो ऐसे केसेस में फ्लूइड निकाला जा सकता है उस जॉइंट के अंदर से, और उसको चेक करके पता चलता है ओके इसमें तो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं, वो डिपॉजिट है. सो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट इज द रीजन हियर. यहां पर भी पेनफुल आर्थराइटिस के एपिसोड को कम करने की ही कोशिश होती है ट्रीटमेंट में. तो आइस लगाना पेनफुल जॉइंट पे, या फिर स्प्लिंट लगाना, हिलने नहीं देना, बेसिक ट्रीटमेंट और एंटी इंफ्लामेटरी, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन जैसे ब्रूफेन, नेपोक्सन या स्टीरोइड्स जैसे इंजेक्शन या फिर ओरल स्टीरॉइड्स भी लिमिटेड डेज के लिए दिए जा सकते हैं. दूसरी दवाइयां भी आती हैं जो डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं ओनली आफ्टर यूजिंग दी स्पेसिफिक बेसिक चीजें. और देर इज ऑल्सो समथिंग लाइक सर्जरी विच माइट बी नीडेड, अगर इनमें से कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, कैल्सिफिकेशन बढ़ता ही जा रहा है, जॉइंट की मोशन मूवमेंट हो ही नहीं रही है, जॉइंट यूजलेस होता जा रहा है, तब जाके क्लीनिंग कर सकते हैं हम क्रिस्टल्स की, कैल्सिफिकेशन की थ्रू सर्जरी. बहुत ओकेजनली, रेयरली इसकी जरूरत पड़ती है. तो दिस इज अबाउट
सूडो गाउट, सूडो गाउट गाउट से डिफरेंट है, यूरिक एसिड से डिफरेंट है। सो यूरिक एसिड डाइट और वो सब जो हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें कोई लेना देना नहीं है। सूडो गाउट के लिए कैल्शियम को बंद मत कर देना खाने में, कैल्शियम की नीड होती है, आप नहीं खाओगे तो बोन्स खराब होंगी। सो यू नीड कैल्शियम, बट येस देर आर सम पीपल जिनके अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल जमा हो सकते हैं। यू माइट बी दैट, यू माइट नॉट बी दैट, बट डोंट वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस ऑल्सो दिस टॉपिक, एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हियर फॉर योर क्वेश्चन।